तो दोस्तों ये रहा हमारे पास यहाँ पे Redmi A1 और आज की वीडियो में हम जो है इस फोन का वोल्टेज टेस्ट करके देखने वाले कि ये जो फोन है वो हमारा वोल्टेज टेस्ट सर्वाइव कर पाता है कि नहीं। तो ये रहा हमारे पास यहाँ पे Redmi A1 का बॉक्स। तो सबसे पहले तो हम जो अपने फ़ोन को बाहर निकाल लेते हैं जो एकदम ब्रांड न्यू पड़ा है इस टाइम, बॉक्स के नहीं रखा हुआ मैंने। तो ये रहा हमारा फ़ोन। उसके अलावा बॉक्स के हमें अंदर कुछ नहीं चाहिए, बॉक्स के अंदर से मतलब कुछ नहीं चाहिए। इसको रखते हैं हम साइड में, इसको रखते हैं इधर पे और फ़ोन को निकालते हैं बाहर। और आप यहाँ देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम ब्रांड न्यू का नया पड़ा है इस टाइम। मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ एक बार अनबॉक्सिंग करी है उसको, इसमें और कुछ नहीं करा है मैंने। और फ़ोन यहाँ पे हमारा कम्प्लीटली वर्किंग कंडीशन के अंदर है इस टाइम और सब कुछ ओके है। यहाँ पे कैमरा भी दिखाऊँ को मैं, तो यहाँ पे देखिए कैमरा वगैरह सब कुछ यहाँ पे काम कर रहा है। मतलब सीधी सी बात है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर भी ये फ़ोन है। तो अब क्या करते हैं, हम अपना बाउल यहाँ पे लेके आते हैं जिसके अंदर इसका वोल्टेज टेस्ट करना है। तो ये रहा हमारे यहाँ पे बाउल, इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अब जो है इसके अंदर रखते हैं अपने फ़ोन को। तो ये रख दिया हमने यहाँ पे फ़ोन। टोटल हम 2 मिनट का वोल्टेज टेस्ट करेंगे, उससे ज़्यादा का नहीं करने वाले। तो यहाँ पे थोड़ी सी लाइट पड़ रही है यार, इधर को देता हूँ। तो टोटल हम इस फोन का जो 2 मिनट का वोल्टेज टेस्ट करने वाले हैं, चलो पहले पॉइंट डाल दो उसको बताता हूँ आपको मैं। वैसे बता दूँ मैं 2 मिनट का वोल्टेज टेस्ट करने वाले हैं और क्यों करने वाले वो भी मैं आपको जब वोल्टेज शुरू हुए तब बताता हूँ। पहले पॉइंट डाल देते हैं, तो 2 जगह पॉइंट इसके अंदर डाल देता हूँ मैं। यहाँ पर डाल दिया मैंने इसके अंदर, एक जग पानी यहाँ अभी डाल देता हूँ मैं, ठीक है। और अब जो है यहाँ पर मैं टाइमर को स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये कर दिया मैंने यहाँ टाइमर स्टार्ट, टाइमिंग हमारा स्टार्ट हो गया। एक जग पानी मैं यहाँ पर और डाल देता हूँ और यहाँ पे इसको बीच में रख के, ये लो एक जग पानी मैंने यहाँ पे और डाल दिया। सो अभी यहाँ पे जो हमारा फ़ोन पानी के अंदर है कम्प्लीटली और यहाँ पे पूरा का पूरा डूबा है, अभी भी वर्क कर रहा है, पर टच नहीं काम करती पानी के अंदर, वो तो मुझे पता ही है। लेकिन खैर कोई गाल नहीं, कोई बात नहीं, मतलब कि तो अभी यहाँ पे हमारे 30 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं बता दूँ कि मैं इसका वोल्टेज क्यों करूँ। एक्चुअली आप सबको पता है कि इसका ये जो फ़ोन है वाटर प्रूफ बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी मैं इसका वोल्टेज क्यों कर रहा हूँ। तो वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बाई चांस हमारा फ़ोन कभी भी पानी के अंदर गिर जाए, या नॉर्मली जैसे हमारे हाथ से कई बार फ़ोन गिर ही जाता है, कई बार नहाते हुए बाल्टी के अंदर गिर जाते हैं, या फिर हाथ धोते हुए गीला हो जाता है, या फिर कहीं नदी में पार करते हुए नदी के अंदर गिर जाता है, या कुछ भी ऐसा हो जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ गिर जाता है। तो हम नियरली 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर अपने फ़ोन को बाहर निकाल लेते हैं। तो उस टाइम पीरियड के अंदर जो है हमारा फ़ोन सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा, वो चीज़ चेक करने के लिए, सिर्फ वो चीज़ चेक करने के लिए जो है इस फ़ोन का वोल्टेज कर रहा हूँ, और कोई कंडीशन नहीं है। अगर इसके फ़ोन जो है वाटर प्रूफ होता तो मैं काफ़ी ज़्यादा लंबा करता, जैसे आधा घंटा या जितना भी टाइम बता रहा हूँ उतनी देर में इसका वोल्टेज करता, या फिर शायद स्विंग जितनी डीप, मैक्सिमम डीप जो बताया हुआ है उतनी डीप लेके जाता, वहाँ पे फ़ोन काम कर रहा है कि नहीं, कितनी देर तक तो काम कर रहा है वो चेक करता, अगर ये फ़ोन वाटर प्रूफ होता तो। लेकिन वाटर प्रूफ नहीं है, इसलिए जब नॉर्मली 2 जगह पानी डाला है, ज़्यादा गहराई भी नहीं है, और 2 मिनट तक मैं इसका वोल्टेज करूँगा, इतना नॉर्मल सारे फ़ोन में कर जाते हैं सर्वाइव। तो ये करता है कि नहीं करता वो चेक करेंगे, लास्ट में हमका माइक कैमरा और जो है स्पीकर भी चेक करने वाले कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जैसे अभी हमारे यहाँ पे कितने 1 मिनट 40 सेकंड यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं, बस जस्ट 20 सेकंड और बचे हैं फिर मैं इस फ़ोन को जो है बाहर निकाल लूँगा। तो फिलहाल यहाँ पे हमारे 10 सेकंड बचे हैं, और लगभग 10 सेकंड अब बचे 10 सेकंड तो यहाँ पे 1 मिनट 10 सेकंड हो चुके हैं, 10 सेकंड बचे हैं, सॉरी 5 सेकंड बचे हैं अब। तो 56, 57, 58, 59 एंड यहाँ पे हो गए 60, मतलब टोटल हमारे यहाँ पे अभी जो है 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मैं जो है टाइमर को यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, ये टाइमर हमने कर दिया स्टॉप, और अब फ़ोन को निकालते हैं बाहर। तो ये रहा हमारा यहाँ पे फ़ोन। तो पहले थोड़ा झाड़ लेते हैं इसको, भाई जान थोड़ा बहुत पानी अंदर स्पीकर वायर में फंसा हुआ तो निकल जाएगा, और इस साइड से भी, ठीक है। तो ये रहा हमारा फ़ोन जो अभी तक तो काम कर रहा है बढ़िया, बस थोड़ा हाथ गीले हो गया यार मेरे, और स्क्रीन में थोड़ी सी गीली है, इसको भी साफ़ कर देता हूँ। तो ये रहा हमारे यहाँ पे फ़ोन जिसमें अभी टच वगैरह सब कुछ काम कर रही है, और यहाँ पे फ्लैश ऑन करो तो फ्लैश भी हमारे यहाँ काम कर रही है इस टाइम तक तो, और टच वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ स्मूथ काम कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा टचेज भी नहीं है, मतलब गोस्ट टच वगैरह कुछ नहीं है, सब कुछ टच भी बढ़िया काम कर रही है इस टाइम। तो अब करते हैं कैमरा को ओपन करके देखते हैं अब कैमरा हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ बैक कैमरा की बात करें तो बैक कैमरा हमारा सही काम कर रहा है, और फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा भी हमारे यहाँ पर सही काम कर रहा है इस टाइम। सो अब देखते हैं इसका जो माइक और जो है स्पीकर वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो है इसको रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ, और यहाँ पे नॉर्मली कुछ भी बोलते, जैसे भी जो भी बोल रहा हूँ सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो थोड़ी देर 10 सेकंड की रिकॉर्डिंग करूँगा बस मैं, अभी यहाँ 5 सेकंड हो चुके हैं, 6, 7, 8, 9, 10 सेकंड अभी यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं यहाँ रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ अब, और अब देखते हैं कि जो है इस फ़ोन के अंदर जो रिकॉर्डिंग हुई है उसमें हमारी ऑडियो जो है रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई है, और साथ साथ
और स्पीकर से आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई है उसकी। तो यहाँ पे करते हैं, हमें यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है और यहाँ तक स्पीकर भी काम कर रहा है, मतलब माइक और स्पीकर हमारे दोनों के दोनों यहाँ पे काम कर रहे हैं, सब कुछ ओके है अभी तक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन बीच बाई चांस हमारी जो है फ्यूचर में कोई इस फोन में दिक्कत आई पानी की वजह से, या कुछ टच नहीं काम करे, या फ़ोन काम करना बंद कर जाए, तो आपको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो या कमेंट टाइम में बता दूंगा कि इसमें कोई दिक्कत आई है कि नहीं है। एक हफ्ते तक मैं फ़ोन को ऐसे ही ऑन रखने वाला हूं, और कुछ भी दिक्कत आई तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, या फिर जब पहले आ गई तो मैं कमेंट टैब या फिर इसी जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है कमेंट टैब में आपको बता दूंगा कि इसमें ये दिक्कत आई है। वैसे नेक्स्ट वीडियो में इसी बात बता दूंगा अगर कोई दिक्कत आई तो। तो फिलहाल तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाई चांस आपका फ़ोन ऐसा कभी पानी के अंदर गिर जाए तो उसको जो है स्विच ऑफ करके चावलों के किसी भी बाउल के अंदर, चावलों के अंदर ढक के रख दीजिए कम से कम 24 घंटों के लिए, कम से कम 24 घंटे, जिससे जो है चावल उसका सारा पानी सोख लेंगे। अगर आपने फ़ोन को बचाना है तो उस कंडीशन में आपका फ़ोन शायद बच जाए, लेकिन ये है कि जो कंडीशन मैंने रखी है तो ये ज़रूरी नहीं कि आपका फ़ोन भी हर बार बच जाए, लेकिन ये है कि कुछ एक चांसेस होते हैं कि फ़ोन बच जाए। तो हर टाइम तो नहीं होता, कुछ एक कई बार हो जाता है कि ज़्यादा ही डीप चल जाए, या फिर ज़्यादा कहीं बार जैसे मान लो कि फ़ोन कहीं गिर गया हो तो वहाँ पे थोड़े बहुत क्रैक्स आ गए, उसके अंदर जो पानी चला गया, फिर तो आपको फ़ोन के कोई चांस बचने का कोई चांस नहीं है। ये फ़ोन तो एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर, इसलिए इसमें कोई डेंट नहीं, कुछ नहीं है, इस वजह से ये बच गया। तो आपका फ़ोन अगर ब्रांड न्यू है तो आपका फ़ोन के बचने के चांसेस हैं, एटलीस्ट 2 मिनट तो बच ही सकता है, उससे ज़्यादा का मैं कुछ नहीं कह सकता। और लेकिन अगर फ़ोन अगर कभी गिर गया हो, थोड़ा सा भी गिरा हो, थोड़े बहुत गैप भी क्रिएट हो गया हो, तो उसमें से अंदर पानी जा सकता है, जिससे आपका फ़ोन जो है डैमेज हो सकता है। तो इसलिए आप जो है खुद अपने फ़ोन को कभी भी पानी के अंदर बिल्कुल ना डालिएगा जब तक ये ना हो कि आपका फ़ोन वाटरप्रूफ हो। वाटरप्रूफ उसके बाद तो आप डाल सकते हैं, वैसी बात कंपनी ने दे रखा, लेकिन खैर वारंटी तो उस बात की भी देते वाटरप्रूफ फ़ोन की भी, कि वाटर डैमेज तो फिर भी वो मानते नहीं है, लेकिन खैर कहने को हो जाता है कि वाटरप्रूफ है तो पानी के अंदर जो है उसको कुछ नहीं होने वाला। नॉर्मली वैसे इस फोन को भी कुछ नहीं होता है, मतलब इजीली तो नहीं होता है, लेकिन बाय चांस हो जाए तो कंपनी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती, इसलिए अपने फ़ोन को पानी से ज़रूर बचा के रखिएगा। तो फिलहाल इसमें जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ टेस्ट, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करने वाला हूँ, ड्रॉप टेस्ट करने वाला हूँ, मतलब एक्सट्रीम ड्रॉप टेस्ट करने वाला हूँ। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के अंदर नॉर्मल ड्रॉप टेस्ट तो आ ही जाएगा, इसलिए एक्सट्रीम ड्रॉप टेस्ट अलग से करूँगा मैं, और इसका बैंड टेस्ट करने वाला, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।